नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम यहाँ पर हैं, थोड़ी देर में एक आश्रम पे पहुँच रहे हैं, मौनी बाबा के आश्रम पे। बताते हैं कि चलते हैं मौनी बाबा के आश्रम पे। बताते हैं कि यहाँ ऐसे संत हुए, अभी तो नहीं है बेचारे, शांत हो गए हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि जैसे ही जितनी भयंकर सर्दी होती थी, तो सर्दियों में वो 108 कलश पानी शाम को भरवा लेते थे, रात भर ऐसे ही रखा रहता था, और सुबह 108 कलश से नहाते थे। और गर्मियों में अपने चारों तरफ अंगारे आग लगवाते थे और वहाँ बैठ करके तपस्या करते थे। तो वहाँ पर एक उनकी शिष्या हैं, साध्वी, जो आश्रम को चला रही हैं। तो शिष्या से मिलेंगे और आपसे मुलाकात कराते हैं और उन संत के दर्शन भी कराते हैं। आइए, देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। ये कथा, अच्छा, यहाँ कथा वगैरह के लिए, कथा वगैरह होती है जो गरीब लोग गांव के देहातों के आते हैं, तो भागवत करवाते हैं। अच्छा, और भंडारा परिक्रमा परिक्रमा में यहाँ तो भंडारा करवाते हैं, तो उसके नीचे तलघर भी है। अच्छा, महाराज जी ने जितना बना पाया था उतना ही है। अब इसमें सोच रहे थे चिकना खर्च करवा दे, नहीं हो पाता। अभी इतने बड़े आश्रम की बिजली, पंखे, बिल्कुल बिल्कुल ये सब रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर लगा आश्रम, बहुत सुंदर लगा। माता नर्मदे हर, माता शुभ नाम आपका? मालती बाई राजपूत। और ये राशि का है पर हमारा चलता है हरिओम बहन के नाम से, साध्वी हरिओम बहन। साध्वी हरिओम बहन, हरिओम बहन के नाम से। अच्छा, ये मतलब संन्यास जीवन में आप हरिओम बहन के नाम से ही जाने? हरिओम बहन के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, संन्यास जीवन माता कब से है आपका? ये हो गई मेरे को 22 साल, वैसे तो हो गई 30 साल, पर 22 साल तो यहीं रह रहा है। 22 साल से इसी आश्रम पे हो गई। अच्छा, ये आश्रम जहाँ हम बैठे हैं, ये कौन सा आश्रम है? ये मारुति सेवा आश्रम, संत श्री मौनी जी महाराज बैसल वालों के नाम से जाना। अच्छा, मारुति सेवा आश्रम, मारुति सेवा हनुमान जी के नाम से। ये नर्मदा जी का उत्तर तट, उत्तर तट, सतधारा उत्तर तट, सतधारा के पास में उत्तर तट में। अगर यहाँ से कोई अगर यहाँ पर आना चाहे तो किधर से होके आएगा? जैसे सागर से आना है जी, तो बस से आएगा जी। नरसिंहपुर से आएगा तो बस से आएगा जी। तो पुराने पुल पे उतरना है, हाँ, दोनों तरफ है, यहाँ रविवार को, पूनम को, यहाँ से है बाहर। अच्छा, और वैसे नए पुल से जाते हैं तो वहाँ उतर के आ जाते हैं, आ जाते हैं। माता, यहाँ सतधारा का जो नाम दिया गया है, तो सतधारा का क्या अभिप्राय? सप्तऋषियों ने तपस्या की हुई है। अच्छा, इसलिए इसका नाम सतधारा है। सतधारा, एक बार सप्तऋषियों के तपस्या से भी सतधारा है जी। और यहाँ जब खाली होती है नर्मदा जी गर्मियों में जी, तो 7 धाराओं में विभाजित है। अच्छा, धारा 7 दिखती है अपने आप, अलग अलग 7, 7 धाराएं दिखती हैं, तो सप्तऋषियों की निशानी है यहाँ, सप्तऋषियों ने तपस्या की। अच्छा, इसलिए सतधारा यहाँ बोलते हैं, सतधारा नाम है। जैसे मान लो उधर ब्रह्मांड घाट है, ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, इसलिए ब्रह्मांड घाट जी जी, यहाँ सप्तऋषियों ने, सप्तऋषियों की है। माता, क्या ऐसी प्रेरणा थी जो आप संन्यास जीवन में आई? वो कुछ होगा, तैसी बनी तब बता, तैसी मिली सहाय, आप न जावे ताहे पिताहे तहां ले जाए, ऐसा होता है। अच्छा। और फिर माना कि 84 लाख योनि में समझा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जी, पर लोग समारा संसार के लिए खूब कमा लिया जी। अब कुछ अपने लिए पर लोग के लिए तो कमाए, तो ऐसा मेरे को बैराग हुआ, सत्संग में जाते थे। अच्छा, तो पूरे तीर्थ कर लिए, भारत के पूरा तीर्थ हो गए, सारे तीर्थ घूम लिया आपने, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, गंगा सागर, नर्मदा जी की 2 बार परिक्रमा हो गई। अच्छा जी, तिरुपति बालाजी, शनि सिग्ना, साईं बाबा, और नेपाल वगैरह सब जगह। अच्छा, सब जगह घूम लिए हैं आप? सब में घूम लिया। अरे वाह। उसके बाद में यहाँ रहकर साधन भजन करती हूँ और आश्रम को सेवा संभालती हूँ। तो अच्छा, तो 2 बार आपने परिक्रमा भी की है? हाँ, नर्मदा जी की। पहले गाड़ियों से की है, हमारे जो महाराज जी थे ना, हाँ, ये मोनी जी करके। अच्छा, तो इनके ही सानिध्य में मैं सेवा के लिए साधना अपना अनुष्ठान करने आई थी, तो महाराज जी को ऐसा लगा कि ये सेवा संभालती है जी जी। तो फिर महाराज जी ने लोगों से कहलवाया कि इनको पूछो कि रहती है, फिर मैंने यहाँ अपना पैसा जमा करके रूम बनवाया है अलग से। अच्छा अच्छा, अलग से हमारा रूम बना हुआ है। अच्छा, आपने जिसमें रह रही हैं वो अपना बिल्कुल हमारा रूम है, अलग बनवाया आपने, व्यक्तिगत रूम है, पर सेवा आश्रम की मैं ही संभालती हूँ, और एक बालक है। अच्छा,
तो यहाँ आश्रम में परिक्रमावासियों की क्या? परिक्रमावासियों की जो पैदल चल के आते हैं जी और गाड़ियों से VIP लोग आते हैं, जी जैसे जी नहीं बना पाते तो हम जी उनको बना के खिलाते हैं, जी और जिनके साथ लेडीज होती है तो उनको सामान दे देते हैं। अच्छा अच्छा सदाव्रत का नाम रखते नहीं है, जी सील लगाते नहीं है। जी जी अच्छा महाराज अच्छा जी का ऐसा कहना था हाँ हाँ तो हम वैसा नहीं करते हैं। और जैसे बसों वाले आते हैं तो उनसे थोड़ा बहुत चार्ज रखा हुआ है कि सफाई वफाई वालों का, हाँ 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 बिल्कुल का, बिल्कुल वो तो खुद 20-20 हज़ार लोगों से लेते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल थोड़ा बहुत उठ दे जाते हैं बिल्कुल। अच्छा 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 पर पैदल वालों को अपन गुरु गुरु जी आपके कौन थे? गुरु गुरु जी माना मैंने। अच्छा अच्छा गुरु जी माना था वो ही हमारे बाप है, वो भाई बहन वही सब कुछ थे, भगवान थे हमारे ये मान के चलो। तो जैसे माता बताते हैं परिक्रमा के दौरान नर्मदा जी एक बार दर्शन देती हैं हर परिक्रमावासी को, बिल्कुल बराबर से जरूर देती हैं। और जो जी तुम्हारे मन में इच्छा होती है खाने की पीने की या कहीं रुकने की या कोई वस्तु की जी तो तत्काल पूरा कल्प वृक्ष मैया, कल्प वृक्ष जैसे कल्प वृक्ष के नीचे अपन कोई भावना करते हैं तो जी तत्काल प्रमाण आ जाता है, ऐसी मैया है कि जो भावना करोगे तुम कि आज तुमको यात्रा में ये लगा कि मेरे को ये खाना चाहिए तो वही सामने मिल जाएगा तुमको खाने। जी जी या तुमने भ्रमण में ऐसा है कि मांगना चाहिए तो हमने तो कभी मांगा नहीं था पर मांगने को सब लोगों ने प्रण किया कि परिक्रमा में मांगो नहीं तो परिक्रमा नहीं कहलाती जी। तो मैंने कहा क्या मांगे क्या मांगे, चलो एक आध चीकू केला मिल जाएगा तो चीकू ही केला मिला, चीकू केला ही मिला। हाँ, और लोगों ने कहा कि अरे पार्ले जी लेके आओ तो एक दुकान में गए बालक जैसा था तो उसने कहा नहीं अरे ये तो बहुत परिक्रमावासी ऐसा धंधा करते, कहे कि मांगने का अर्थ एक ऐसा होता है कि जो तुम्हारे अंदर अहंकार है जी उसको ठेस लगेगी जी जी, अगर तुमने मांगने में तुमको कोई मना करेगा फिर तुमको कितना बुरा लगेगा, इसलिए तुम्हारे दर पे कोई मांगने आएगा तो तुमको तुम भी उसको मना नहीं कर पाओगे बिल्कुल, इसलिए अहंकार मिटाने के लिए मांगा जाता मांगा जाता है कि तुम कुछ भी नहीं हो सब उसका है जी। तो इसके लिए फिर वो पार्ले जी जैसे ही मांगा तो वो भाई बेटे ने तो मना किया पर अंदर से अपने आप एक दादा आया बोले नहीं माता जी को बुलाओ और पार्ले जी दो, फिर उन्हें वो पार्ले जी दिया, फिर हमने ला के सब लोगों को गाड़ी में जितने थे उनको खिलाया ये प्रसाद है और बस मैंने मांग लिया। मैंने कहा मैंने कभी जीवन में मांगा नहीं है, मैंने देने के अलावा भी कभी मांगा नहीं है, भगवान की कृपा ऐसी है कि सब कुछ दिया सब दिया है सब भगवान की ऐसी कृपा है, ज्यादा तो कुछ नहीं भगवान की। अच्छा 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 पर बहुत कुछ है मन में जो इच्छा करो वो सब चलाते हैं। अब 3 साल से महाराज जी का शरीर छूटा हुआ है जी, तो जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं जी वो थोड़े कटने लगे, उन्हें कुछ नहीं ऐसा खेती वेती में से ना खेती से अनाज दे रहे हैं ना भूसा दे रहे गायों को, अरे सब यहीं से चल रहा है इनकी कृपा से, हम लोगों की तपस्या और भजन से। तो यहाँ आश्रम से कुछ जमीन भी लगी होगी? जमीन थी, स्वामी जी ने तपस्या करके खुद ली थी जमीन। अच्छा अच्छा तो वो लोग उनके जाने के बाद में लोगों ने हड़प लिया सब, ओह सब। तो उधर से तो कुछ हमें कह रहे गाय भैया हम लोगों को मत दो, गाय को तो कम से कम भूसा दो। मिल अब इसके अध्यक्ष भी हैं तो वो भूसा उसा वो लोग भेजते हैं। अच्छा अच्छा और मैया नर्मदा ऐसी है कि वो तो कल्प वृक्ष है जी, वो जी अपने आप चला रही है, हमको खुद पता नहीं को कैसे चला रही है, अपने आप आश्रम की व्यवस्था चल रही है अपने आप। कहते ना स्वयं सिद्ध सब काज नाथ हो आए सदैव, भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने आप अपने आप करते हैं। सब जैसे मान लो गरीब लोग आ जाते हैं, अब ये बुढ़ा है जैसे आया है कल, अब उसके घर में कोई नहीं है, रात को भी भोजन कराया बिस्तर भी दिया भोजन कराया, गरीब लोग आ जाते बिल्कुल आ जाते परिवारों से दुखी आ जाते उनके लिए सहायता मिलती है जी। बहुत नेक कार्य कर रही हैं आप यहाँ पर बैठ करके, सब बस मैया नर्मदा की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद। आप भी तो मैया का ही रूप हैं तो इसीलिए सब लोग आ जाते हैं। हमारा सुबह सुबह मौन चलता है साधना भजन, अपना सुबह में 4 बजे से उठ के साधना भजन में लगते तो सुबह मौन रहता है। अच्छा 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 सुबह में मौन, सुबह कितने बजे तक? जितना चल जाता है वैसे। अच्छा। तो भोग लगने तक रहता है। हाँ हाँ अब इतनी जवाबदारियाँ रहती हैं तो, पर जब तक नियम नहीं हो जाता है 8-9 बजे तक जब तक तो नहीं। अच्छा अच्छा लगभग 10 बजे मान लीजिए, हाँ, 10 बजे तक मौन व्रत तो रहता है। 10 बजे के बाद पहले बहुत ज्यादा हो जाता था, 15-15 दिन इसी में मौन चल जाता था एकादशी को पूनम अमास को, अब महाराज जी नहीं तो सारी जवाबदारियाँ हाँ आपको फिर करनी पड़ती है तो मौन व्रत नहीं काम नहीं चलेगा, उतना नहीं चलता जी जी। जितना पाई लिख लिख के नहीं समझ पा रहा है, सारे में लोग नहीं समझ पाते तो बोलना पड़ता है जी जी। और सब मैया की कृपा है, स्वामी जी का आशीर्वाद है, बस वही कृपा है कि करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भगवान स्वयं सिद्ध करवा रहा है, स्वयं अपने से करवा रहे हैं। आज मेरी 60 साल की उम्र है, 60 वर्ष की हो गई आप, पर वो हमको खुद पता नहीं चलता कैसे ये सारा कार्य हो जाता है इतने बड़े। नहीं नहीं आपकी उम्र लग भी नहीं रही है 60 वर्ष की,
भगवान की कृपा है। मैया आपको स्वस्थ इसीलिए रखे हैं कि अभी आप सेवा करते रहो। मेरे को कोई प्रकार की ना कोई बीमारी आए ऐसी, शुगर के ब्लड प्रेशर के कुछ भी नहीं, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। 60 वर्ष के आए वो बराबर निरंतर आप सेवा कर रही हैं सबकी। चलाते हैं 10-20 लोगों का भोजन आ जाता है मौका तो 10-20 लोगों का भोजन मैं स्वयं बनाती हूं। स्वयं बनाती हैं आप? स्वयं बनाती हूं। मैं मिलके अद्भुत हो गया आपसे। बहुत अच्छी भैया, मैया की कृपा हो गई और आप लोगों का सहयोग। बस यही सोचते हैं कि हमारा शेष जीवन जितना रहा है स्वामी जी के चरणों में बीते और ये आश्रम में सब लोगों को आश्रय मिले। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रय, आश्रय जी, जहाँ आश्रय मिले उसका नाम तो आश्रम, आश्रम है। अगर हमने अपने के लिए आश्रम बनाया या हम अपनी सुविधाओं के लिए या अपने परिवार के लिए या किसी के लिए, जी जी जी, तो क्या मतलब होता है? तो वो आश्रम नहीं है, आश्रम नहीं है, वो गृहस्थी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आश्रम का ये मतलब है। महाराज जी ने 65 साल मौन रखा, 65 वर्ष, हाँ, बोलते ही नहीं थे और ऐसी कड़ाके की ठंड में 108 घड़ा इतने बड़े बड़े भर के बाहर रखे जाते थे शाम को और सुबह 4 बजे रात से समाधि ध्यान में बैठ जाते थे, अभिषेक होता था। अच्छा, वो घड़ा 108 घड़ा रोज ढारे जाते थे उनके सिर पे, महाराज जी के सिर पे, महाराज जी के सिर पे। ऐसा वो जो फोटो रखी है वहाँ, अच्छा अच्छा, वो एक सेकेंड, महाराज जी का ये पूरे माघ के महीना में चलता था। अच्छा, माघ के महीने में, माघ के महीना में पूरे ये इस तरीके से, हाँ, ये ढारे जाते थे और ये ध्यान समाधि में चले जाते थे। इनको 4-6-8 घंटे तक होश नहीं, कोई नहीं। 108 घड़े, 108 घड़े ऊपर से ढारे जाते थे ये ठंडी में माघ में और गर्मी में 13 अंगीठी के बीच में, इतने बड़े बड़े जी 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 में। अच्छा, और रहते तपस्या भजन करते थे जी, मतलब 3 घंटे तक जब वो आग की लौ ऐसी छूटती थी जी, तो महाराज जी का स्वरूप भी लोगों को चित्र भी नहीं दिखता था। कई लोग ऐसे हो जाते थे कि महाराज जी है कहाँ, अरे आग की लपटे छूटती थी। ओहो, इतना बड़ी तपस्या की महाराज जी ने और 65 साल तो मौन व्रत रखा और 35 साल भोजन नहीं किया। 35 वर्ष भोजन, 35 वर्ष कोई भोजन नहीं। तो क्या क्या लेते थे? मतलब फल आदि कच्चा बच्चा जो भी ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ भी ले लिया, अन्न ग्रहण नहीं किया, अन्न ग्रहण नहीं किया। बहुत बड़ी तपस्या महाराज जी की। अनुष्ठान के लिए आई थी इसलिए ऐसे कहा है ना, प्रथम भगति संतन कर संगा जी जी। तो भैया संतों का संग मिल ही जाता है जी, तो हम बाहर के शत्रु भी नहीं रहने देते और अपने अंदर के शत्रु भी नहीं रहने देते। बिल्कुल, अपने बिल्कुल। अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ये भी तो नहीं आ सकते, नहीं आते जी जी। तो फिर भगवान महाराज जी की बहुत अच्छी कृपा हुई और मेरा थोड़ा बहुत सहयोग होगा तो महाराज जी के सानिध्य में आए और जब इनका शरीर छूटा है जी, तो मेरे कंधे के ऊपर, आपके कंधे ऊपर सारा वजन आ गया। नहीं, वैसे गोदी में इनके प्राण निकले। ओह अच्छा, शरीर भी इनने छोड़ा है तो मैं नरसिंहपुर दवाई के लिए ऐसे ले गए जी जी, अस्थमा हो गया था। अच्छा अच्छा, श्वास की बीमारी जी जी, तो ऑक्सीजन की कमी थी तो नरसिंहपुर ले गए थे जी। तो उसी समय बस लौट रहे थे तो बस ऐसे बात करते करते गए थे, हाँ हाँ, और लौट के जो शरीर छूटा है तो बस कंधे पे शरीर छूटा। ओह क्या, तो बस आज भी हमको ऐसा नहीं लगता है संसार वालों को कुछ भी लगे, महाराज जी आज भी बैठे हैं जी सूक्ष्म शरीर से और वो ही करा रहा है, उनकी कृपा से सब हो रहा है, सब बने जी जी। नहीं नहीं, नहीं, आप पे मैं गुरु जी की विशेष कृपा है, बस गुरु और कृपा है और गुरु जी की कृपा जी। जब स्वामी जी ने शरीर छोड़ा था तो लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, स्वामी जी ने किसी को अपनी संपत्ति का वारिस नहीं बनाया। अच्छा अच्छा, उनके जो चोटी काट चेला है ना जी, वो चेला के लिए तो स्वाभाविक इसकी परंपरा है, हाँ, चेला को मिलेगा, हाँ, पर दूसरे लोगों ने घुसपैठ करके भाई अपने बनाने को किया। अच्छा, फिर अभी वो जो स्वामी जी के चेला है वर्तमान में उनको चेला बनाया है, पर वो संभालते हैं हम ही लोग, वो अच्छा, अच्छा, को आते जाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ हनुमानगढ़ी पे रहते हैं जी। अच्छा अच्छा, और स्वामी जी की कृपा से सब चल रहा है भैया, चलता रहे बस हमारी तो एक इच्छा है, बहुत अच्छा लगा, मेरा शरीर इनके दम आखिरी दम तक बस इनके ही चरणों में छूटे। तो माताराम आप यहीं लोकल से कहीं रहने वाले हैं या कहीं? सागर जिला से, यहाँ से 40 किलोमीटर। अच्छा, सागर से, सागर से, हाँ, 40 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, मतलब जन्मभूमि की। अच्छा अच्छा, जन्मभूमि की, ये बहुत अच्छा। सारे बेटे हैं तो एक बड़ा भी बैरागी है, छोटा भी आश्रम में बैरागी है, मंजिला वाला बस है कि उसको संसार बसाना है भाई। अच्छा अच्छा, चाहा तो बस जाएगा, इनकी आगे थे कि नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ने सब कुछ दिया है, संपत्ति खूब दिया भगवान ने, कोई कमी नहीं है। चलिए बस, और जाना तो साथ में कुछ नहीं है, बस बिल्कुल यही छूट जाएगी बस बस, जो राम नाम की कमाई है तुम्हारी उसका बैंक बैलेंस जो बन जाएगा जी जी जी, तो
टाइम वैसे नहीं मिलता है, पर फिर भी कहते हैं ना माला श्वास श्वास के जगत भगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच, बस श्वास श्वासों का सुमरण चिंतन चलता रहे, काम करते रहो जी, जी। कोई थोड़ा बहुत जितना चल जाता है, मैं पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं, आपको अध्यात्म का बहुत अच्छा ज्ञान है, क्लास पढ़ी, पर भगवान की कृपा ऐसी ईश्वर की कृपा, मैं 4-5 पीढ़ी में हमारे यहाँ पहली लड़कियाँ जी गई। अच्छा, मेरे परिवारों में 3-4 परिवारों से लड़कियाँ नहीं थी। अच्छा अच्छा, पहली लड़कियाँ जी तो फिर माँ बाप को कितने लाड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पिताजी ने भी मेरे को 3 एकड़ खेती दिया। ओ, अच्छा अच्छा, और सब चल रहा है भगवान के पास, बस ऐसा है कि मेरा बस भगवान के संतों की सेवा, यहाँ भी अतिथि जो आते हैं परिवारवासी आते हैं, बस इसके लिए मैं मांगती हूँ कि भगवान कुछ आर्थिक संपत्ति भी इतनी दो के लोगों को हम खिलाते पिलाते रहे जी जी, और शरीर में ताकत भी इतना दो के हम करके खिलाते करते रहे, और करते मेरे को कोई इच्छा भी नहीं, कुछ चाहिए भी नहीं। नहीं, बहुत कुछ कर रही हैं, एक आप महिला होकर के पूरा आश्रम संभाल रही हैं और परिक्रमा वासियों की इतनी, और सबसे बड़ी बात गुरु जी के कार्यों को निरंतर आप चला रही हैं। अभी नर्मदा जयंती से महाराज जी का वार्षिक 40 साल हो गया यज्ञ करते हैं। अच्छा अच्छा, तो हर साल महाराज जी यज्ञ करते हैं नर्मदा जयंती से जी, और पूनम को भंडारा करते हैं। हाँ, तो अभी से अब मेरे को तैयारी में लगे हैं, और उनका यज्ञ भाई उनका जो संकल्प है उनकी जो इच्छा है जी, उसको जी हम रोकना नहीं चाहते, बढ़ाना चाहते, बिल्कुल बिल्कुल, ना उनकी इच्छा को जी जी, तब तो संतुष्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कोई कार्य है, उनको इच्छा रहती थी कि हम यज्ञ करें, यज्ञ के बहुत शौकीन थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत यज्ञ करते थे, और ऐसा नहीं अपने से करते थे, किसी ने कुछ दे दिया तो दे दिया, और नहीं दे दिया मेहनत से करते, अपनी मेहनत से ऐसा था स्वामी जी का। और इनके सानिध्य में, इनके चरणों में जब 20 साल से रही इनके साथ में, अब आज इनको 3 साल खत्म होने जा रहे जी जी, तो मेरे को 22-23 साल हो गए जी, और इनने ऐसा सिखा दिया है जीना, मतलब सरलता का जी, है तो खा लो भैया, नहीं तो नमक रोटी खा लो। बिल्कुल बिल्कुल, सिखाया है, मतलब किसी चीज की लालसा नहीं, लालसा नहीं, इच्छाएं भी नहीं, भैया बाहर का खाती पीती नहीं हो, मेरे को दुनिया का ये शौक साम नहीं है, दुनिया की ये चीजों की कोई जरूरी नहीं, इच्छाएं भी नहीं है कोई जी। अब इच्छा करके फिर तो घर ही में रहते, जब ये तो इच्छा त्याग लेना तो एक इच्छा मारना पहली बात है कि जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होगी तो क्या। सही सही बात है जी, बहुत अच्छा लगा माई आपसे मिल करके, और मेरा जीवन धन्य हो गया गुरु जी के दर्शन करके। महापुरुषों का दर्शन है तो यही कहते कि लोगों को ये धूना, इनका ये धूना चलता है जी, इसमें हवन होता है। अच्छा 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 अच्छा, ये 12 महीना इसमें आग जलती है, धुना रहता है, भोजन जो बनता है मंदिर में भोग लगे, इस धुने अभी खोल सकते हैं। हाँ, इसको खोल सकते हैं और इसका प्रसाद भी आप ले सकते हैं। अच्छा 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 जी, ये इसमें रोजाना हवन होता है। अच्छा, ये हाँ हाँ, अच्छा अभी भी आग है इसमें, इसमें है ना, इधर हाँ हाँ है इसमें आग रहती है जी जी, हवन होता है जी, तो ये सिद्ध धुना कहलाता है, सिद्ध धुना जी। थोड़ा सा प्रसाद हम भी लेंगे इनका क्या था, पद्मासन में 4-4 घंटे पद्मासन में बैठते। अच्छा, सुखासन में 8-8 घंटे एक आसन से भजन करते। अच्छा, और मरते वक्त तक इनका 2 बजे रात तक गीता का पाठ नहीं होता था, जब तक अरे ये नींद नहीं लेते थे, और इसी जगह बैठ के करते थे, इसी जगह बैठ के करते थे, यही उनकी जगह थी, इसलिए उनके शरीर छोड़ने के बाद लोगों हम लोगों ने तो बहुत ऑब्जेक्शन उठाया, पर उनका मूर्ति 55-56 हजार की मूर्ति बुलवाई, स्थापना करा दी। नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, स्वामी जी यहाँ रहेंगे तो हमको ये नहीं लगता है कि स्वामी जी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वामी जी की कृपा से, स्वामी जी की ताकत से, स्वामी जी के सब उससे चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और पंडित जी की कृपा से देखो आपके दर्शन हो गए हमें। पंडित जी आज से नहीं, बचपन से भी जानते हैं। जहाँ पे ये पंडित जी, वो मेरी मामा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ।